लड़का, और वो पड़ी उसकी KTM बाइक। भाई यार देख, बिल्कुल जवान लड़का ही है भाइयों, ये देखो। ओ भाई शेट मैन, ओ भाई यार। सो भाई सारी गाड़ियां यहाँ इकट्ठी हो गई हैं, ये देखिए एम्पियंस मॉल के आगे इकट्ठे हुए हैं। आज अपने साथ एक 530 IB है BMW, और वरना और ट्यून्ड जेटा पीछे खड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं रात को वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लेकिन भाई मैं रात को वीडियो नहीं बना रहा हूँ, भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए सुबह के 4:20 पर, और भाई हम निकले हैं आज एक बहुत ही बढ़िया हाइपर राइड पर। और मैं अकेला नहीं भाई, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्स आ रही हैं वहाँ पर, मतलब सीरियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी तगड़ी ट्यून्स कार आ रही हैं। उसके बाद भाई हम जाएंगे एक ड्राइव पर जो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब भाई मैं आपको जगह का नाम बताता नहीं हूँ कभी। सो भाई बढ़िया ड्राइव कर आएंगे, और सो भाई फुल फन होने वाला है, फुल मज़े आने वाले हैं। और देखो भाई अभी थोड़ी आँख खुल जाएगी, रेडबुल मैंने ले ली है भाई रास्ते से। गाइस एक बात बताऊं, देखो सुबह सुबह 4:20 पे निकला हूं, अभी 4:26 हुए हैं, और घर से निकलते ही बड़े अच्छे मूड से निकला था। और एक ऐसी चीज देख ली ना मैंने भाई, बीच में उनसे जाकर पूछा भी कि भैया गाड़ी वाड़ी चाहिए, तो वहां पर बहुत सारी टैक्सी खड़ी थी, लेकिन एम्बुलेंस बुला ली गई थी, एम्बुलेंस इन एनी टाइम आने वाली थी। और भाई मैं यार उसकी बाइक की हालत देखी मैंने यार, मैं एकदम से डर गया, मेरे से भाई गाड़ी नहीं चल रही अभी हाईवे पे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं अभी। सो भाई सारी गाड़ियां यहाँ इकट्ठी हो गई हैं, ये देखिए एम्पियंस मॉल के आगे इकट्ठे हुए हैं। आज अपने साथ एक 530 IB है BMW, और वरना और ट्यून्ड जेटा पीछे खड़ी है। बाकी मैं आपको सारी गाड़ियां भाई एक बार, ये ना थोड़ी रोशनी हो जाए, रोशनी में सारी कारों का ना थोड़ा अच्छे से आपको ना इंट्रो दूंगा, और तब तक आप ड्राइविंग एंजॉय करिए। ये भाई स्टार्ट हो गई राइड, और जो अपनी जेटा है वो कर रही है अपन को लीड, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि लोकेशन भाई किसी को नहीं पता है। और मैं इस ग्रुप में भाई फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया और प्यारा ग्रुप है, बहुत अच्छे और कार के रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले बंदे हैं, मतलब हर बंदे को भाई मतलब बहुत डीपली एक एक इन्फॉर्मेशन पता है कारों के बारे में, और वैसा ही उन्होंने अपनी कारों को बनाया है। सो ऐसे लोगों से भाई मिलने का हमेशा मैं मौका ढूंढता रहता हूँ। तो भाई जब तक खाली रोड नहीं आता है, ये देखिए सारी गाड़ियाँ, वो जो जेटा है भाई वो भी ऑलमोस्ट बहुत पावरफुल है, ये देखो 530 IB जा रही है। सुबह की जो ड्राइविंग होती है ना उसका अलग ही मज़ा है यार, मतलब एक अलग ही पावर होती है बंदे के अंदर। बाकी मैं भाई रात भर सोया नहीं हूँ, और लेकिन फुल पावर है, जब तक दुनिया उठेगी भी तब तक हम अपनी राइड वगैरह करके अपने घर पे भी होंगे। अभी अपना ना फोन मतलब जो इसका माउंट स्टैंड है उसके साथ नीचे गिर गया था, क्योंकि एक दो ऐसी धचकी आई, और भाई इसकी ना ग्रिप बड़ी कमज़ोर निकली, जितनी मैंने सोची थी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि मैंने भाई काफ़ी अच्छा लिया था, पर कोई बात नहीं, आज ये बस काम निकाल दे। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ कार्स को, ये जो वरना है UP 16 नंबर, ये भी अपने ग्रुप से ही है, और बहुत बढ़िया बना रखी है भाई ने, और बड़े अच्छे एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखे हैं। और आगे मैं ध्यान ये दे रहा हूँ कि या तो 5 सीरीज या वो जेटा चल रही है उनका, उनके पीछे रहूँ, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं उसी स्पीड से मैं चल रहा हूँ। अब देखो थोड़े से आगे निकल गए, और अब थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ेगा उन्हें, ये देखो पकड़ लिया। मन तो गया
कर रहे हैं कि अगर मेरा अभी भाई सनरूफ का ये ठीक होता ना, देखो वो खोल तो मैं अभी भी लूंगा जुगाड़ करके, लेकिन फिर ना वो स्टेबल वाली कहानी नहीं रहेगी। ये देखो भाई ऐसे धचकियों में ज्यादा हिल जाता है। क्योंकि अपने जो इंडिया में जो फ्लाईओवर बनते हैं ना भाई, इनको ना भाई जॉइंट से बनाया जाता है, और जहाँ पर वो जॉइंट होते हैं ना वहाँ पर हमेशा आपको जंप मिलती है, चाहे आप कितना ही बड़ा एक्सप्रेस वे देख लो। यमुना एक्सप्रेस वे में कई बार ट्राई किया है, मैक्सिमम स्पीड ले जाने की कोशिश की है, लेकिन इनकी वजह से है ना बंदे का बैलेंस खो जाता है। थोड़ा पकड़ना पड़ता है भाई, वो आगे निकल गए थे। ये रहे भाई, अब स्टार्ट हो गए हैं सारे अपना अपना वो दिखाने के लिए। भाई येरी जो सबसे आगे जेटा चल रही है अपने शेन भाई की गाड़ी है, और सीरियसली भाई बहुत पावरफुल कार है। अगर भाई से सही बात रही तो इसकी ड्रैग ज़रूर डालूंगा भाई अपनी गाड़ी के साथ। बहुत उछलने वाले रोड हैं यार, भाई की थोड़ी स्विफ्ट है ना रोड से उतर गई थी, अभी शायद से रिकॉर्ड भी हो गया अगर आप भाई वगैरह देख रहे हैं तो। सो इसलिए लेफ्ट से है ना ओवरटेक नहीं लेना चाहिए। हर बंदा भाई की तरह ड्राइव नहीं करता कि उस चीज़ को सेव कर ले। और भाई सारी कारें एक बारी रुकी हैं तो देखते हैं क्यों रुकी हैं, शायद से ज़्यादा आगे पीछे हो गई थी सब, इसलिए इस वजह से रुके हैं। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है और भाई थोड़ी बहुत नहीं तगड़े वाली स्टार्ट हो गई है। आज मेरा माउंट स्टैंड बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, दो बार गिर चुका है, और मैं थोड़ा सा भाई पीछे से रह गया क्योंकि भाई मेरे को वीडियो भी शूट करनी होती है, ठीक है, और आप सबको भाई सारी चीज़ें दिखानी भी होती हैं। सो भाई मैं थोड़ा इसलिए आराम से ही ड्राइव करता हूँ, और बाकी भाई जहाँ आना था वहाँ पर आ गए हैं। वो लग रहा है कि ये जो BMW 530 आई है ना ये भी ट्यून्ड है, मतलब आप सोचोगे वैसे इतनी पावरफुल है, अगर ये गलती से ट्यून्ड निकली तो भाई ऐसी तैसी कर देगी सीरियसली, और मुझे कुछ लग रहा है ऐसा।
तो भाई जिस जगह हम आए हैं ये है पंच गांव, प्राउडली देसी। क्या बात है यार, बढ़िया। सो गाइस अपन आ गए हैं गुड़गांव क्रॉस करके, मानेसर क्रॉस करके। ये देखिए जगह का नाम है पंच गांव, प्राउडली देसी। सो सारी कार्स भाई अपनी यहां पर एक साथ इकट्ठी खड़ी हो गई हैं। ये देखिए, ये अपनी A200, ये I20 है, ये स्टॉक है, ये जेटा है भाई, ये सेकंड स्टेज या आई थिंक फर्स्ट स्टेज, ये ट्यून्ड है लेकिन 100%। उससे अगली कार भी ट्यून्ड है। BMW का बारे में मेरे को पूरा भी पता नहीं है, वो स्टॉक इतनी ख़तरनाक है तो उसको ट्यून्ड करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके आगे है भाई आपकी वरना, वो मेरे को ट्यून्ड लग रही है। उसके आगे है पोलो स्टॉक और उसके आगे है स्विफ्ट, उसका भी मेरे को अभी पूरा पता नहीं है। और आँख देख कर आपको मेरी पता लग ही रहा होगा कि भाई मेरी कितनी बुरी अभी हालत चल रही है। रात भर सोया नहीं हूँ और अब नींद आ रही है भाई। तो एक कोल्ड कॉफ़ी तो 100% बनती ही बनती है। बाकी भाई मौसम बहुत अच्छा है, या भाई ये देखिए पूरा बहुत बढ़िया मौसम है और भाई बहुत अच्छा ग्रुप और बहुत बढ़िया लोग हैं भाई सारे। इस टाइम पे मेरे को कॉफ़ी की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत मेरे को किसी चीज़ की नहीं है। और तो देखते हैं भाई, भाई बहुत ही प्यारा सेटअप है, एक बार देखो ऊपर से। और भाई बैठते हैं और कुछ खाते हैं यहाँ पर। कैसा कुछ है भाई? सो गाइस जहाँ पर लास्ट अपन रुके थे ना, वहाँ पर थोड़ा सीन था कि एक अपने भाई के पास उनका पेट है और उसके साथ वहाँ पर अंदर अलाउड नहीं था। सो अभी भाई के साथ आए, जो होपफुली यहाँ पर कुछ खा लेंगे। सो गाइस हम आ गए थे अपने ओल्ड राव होटल पे, आपको मैंने दिखाई दिया था। ये देखिए इधर मिलती है यहाँ की फेमस अपनी रबड़ी फलूदा, मतलब ऐसा रबड़ी फलूदा मैंने खाया नहीं होगा। तो मैं अगर इतनी दूर आया हूँ तो अपने घर के लिए भाई ये मैं पैक तो ज़रूर करा के लेके जाऊँगा। और मौसम देखिएगा इस बहुत प्यारा हो रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है। और अपने साथ देखो भाई एक ये छोटा उस्ताद भी चल रहा है, मैं आपको छोटा उस्ताद दिखाता हूँ भाई, इसको ना अपने साथ ही लेके चल रहे हैं। ये देखो छोटू ये भौंके जा रहे हैं। ये देखिए ओल्ड राव आ गए थे हम और अब यहाँ से निकल रहे हैं। एसी ऑन कर लूँ भाई क्योंकि थोड़ा सा घुटन का मौसम है। और भाई ये जो आपको जेटा दिख रही है ना भाई, ये जेटा 200 BHP है, 200 BHP जेटा का रिव्यू जल्दी ही अपने चैनल पे आने वाला है, ठीक है। और ड्रैग इसकी उसके कुछ ही दिन बाद आ जाएगी। आपको गाइस पता ही है पहले रिव्यू आता है और फिर कार की उस कार के साथ अपनी ड्रैग आती है। बहुत तगड़ी ट्यून्ड कार है यार ये, बहुत तगड़ी। सो इसके साथ अलग ही मज़ा आने वाला है, ड्रैग का भी और इसके रिव्यू का भी। सो भाई अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:25 का और 4 घंटे हो गए हैं भाई अपने को निकले हुए, 4 घंटे। और बारिश ऐसी चल रही, ज़्यादा कार्स भगा नहीं पाए। और भाई जब ज़्यादा कार्स होती है ना तो आप है ना एक स्पीड पे भगा भी नहीं पाते क्योंकि आपको बार बार दूसरी कार्स का वेट करना पड़ता है भाई। कभी कोई भगा रहा होता है, कभी कोई भगा रहा होता है, कभी कोई आगे है, कभी कोई पीछे है। और अपना घर यहाँ ऑलमोस्ट है करीब करीब 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है भाई, मतलब मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अपने घर पहुँच जाऊँगा। के जो आज का मीटअप था ये ऑर्गेनाइज किया था अपने शेन भाई ने, जिनकी जेट्टा है। फुल ऑन बारिश हो रही है भाई, फुल ऑन बारिश हो। परेशान हो रखे होंगे, बाइक वाला गीला हो गया होगा तो भाई हेलमेट से उनको वैसे दिखना बंद हो जाता है। और जो हेलमेट ना डालें तो उनकी आंख नहीं खुल पाती पानी की वजह से।
सो अब भगाओ घुस गए हैं वापस वही अपने गुड़गांव के रोडों पर। और हम बात कर लेते हैं अपने नए टायर्स की ग्रिप की भी, तो बारिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन वाला, किसी तरह की अब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने भाई इस कंपनी पर शिफ्ट किया, एक कंपनी छोड़कर हर कंपनी के ट्राई करने चाहिए। और भाई मुझे पता लगा है, क्योंकि देखो भाई ग्रिप तो उनकी भी बहुत अच्छी थी, ये टायर स्पेशल आपके कम्फर्ट के लिए है। सो भाई जो टायर आपके कम्फर्ट के लिए है वो कहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फुल ऑन बारिश भाई, फुल ऑन बारिश। तो ठीक है गाइस, देखिए वैसे भी गुड़गांव घुस गए हैं, बस अब थोड़े छोटे मोटे एक तो फ्लाईओवर रहे हैं, उसके बाद हम दिल्ली एंटर कर जाएंगे। सो ये वीडियो वैसे भी भाई काफ़ी लंबी हो गई है, सुबह काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। सो चलिए गाइस, ये लास्ट फ्लाईओवर आ गया, इसके बाद हम दिल्ली में घुस जाएंगे। गाइस वसंत कुंज पहुँच गए हैं, 5 मिनट दूर अपना घर है, 1.5 किलोमीटर। गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और गाइस कोई गाड़ी आपको वहाँ पसंद आई हो जिसके आधा मील ड्रैग देखना चाहते हैं, सो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड सपोर्ट गाइस प्लीज़, थैंक यू।